हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर देव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग भी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में हम दिखाएंगे, अपने हाथों से बनाया हुआ एक्वेरियम दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा छोटा सा एक्वेरियम है। ये वाटरफॉल एक्वेरियम हमने अपने हाथों से तैयार किया है। पिछले लॉकडाउन में हमने इसको बनाया था। और इसमें बहुत ही छोटे छोटे फिश हैं। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने एक कांच का यूज किया है। कांच का पहले बक्सा तैयार किया है, उसके बाद ये जो पत्थर मैंने कलेक्ट करके रखे रहता हूँ, और इसको पहले बेस क्लियर हमने किया है, पहले चिपकाया है। बड़े बड़े पत्थरों को पहले हमने चिपकाया सिलिकॉन से। उसके बाद ये वाली पत्थर आप देख रहे हैं, इसको हमने काला वाला जो टाइल्स पत्थर होता है उसको गर्म किया है। गर्म करने के बाद परत दर परत वो निकल जाता है। उसके बाद चिपकाते हुए हम क्रम से जमाए हैं, और आप देख रहे हैं कि सुंदर सा इसमें पानी फ्लो हो रहा है। ये देखिए, और सारे मछलियां इसमें मजे से घूमते रहती हैं। अंदर यहाँ पूरा खो है, अंदर पूरा ये लोग घुस जाते हैं। और फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये मेरा पेंटिंग है। ये कांच में ही मैंने पेंटिंग किया है। आप जब देखेंगे तो ये वाली जो दूर से आप देखेंगे तो बड़ा सा चट्टान नजर आएगा, और ये वाली जो जगह है ये पूरा जंगल नजर आएगा। बहुत सारे पेड़ हैं ऐसा नजर आएगा। और ये जो यहाँ से जो मैंने पेंट किया है मिलता हुआ, ये पानी और आकाश से मिलता हुआ दोनों बहुत अनंत तक दूरी में है, ऐसा नजर आएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो पर्वत है, पहाड़ है, झरना जो बनाया हूं मैं वाटरफॉल, वहां पे पत्थर से बहुत ऊंचाई में एक पेड़ है, और पेड़ में ये बर्ड्स चिड़िया आ रही हैं पेड़ की ओर, शाम के करीब अपने घर की ओर पेड़ में बैठने के लिए, सोने के लिए आ रहे हैं अपने जगह में। तो मैंने कांच में इसको पेंट किया है, और दूर से बहुत ही सुंदर नजारा ये दिखता है। और हमने ये छोटा सा लाइट लगा दिया है, और यहाँ पे फिल्टर है, और ये फिल्टर को हम 15 दिन में बस साफ करते हैं। एक्वेरियम को तो महीने महीने लग जाता है, एक महीने में साफ करते हैं, और पानी बहुत ही साफ रहता है। और पत्थर के अंदर में हमने छोटा सा पंप लगा रखा है, और यहाँ से होता हुआ पाइप ऊपर की ओर गया है, और यहाँ फिल्टर में वो कनेक्ट है, पानी यहीं से यहीं रिटर्न होते रहता है। और सारे ये छोटे छोटे जो पत्थर आप देख रहे हैं, इसको हमने ऐसा सेट किया है कि सामने वाले जो फ्रंट कांच पे पानी का छींटा बिल्कुल भी नहीं आता। ये बहुत ही धीरे गति से स्लो फ्लो हो रहा है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर सा पानी झरना से नीचे बह रहा है। और ये वाली दीवाल घड़ी मैंने तो पहले शेयर कर चुका है आप लोग को, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि इसको भी मैंने अपने हाथों से बनाया फ्रेंड्स। और एक और एक्वेरियम मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, इसको भी हमने अपने घर में ही तैयार किया है। और ये जो आप एक्वेरियम देख रहे हैं, इसको लगभग 8 साल हो गया। इस ये जो बड़ा एक्वेरियम हमने हाथों से ही अपने घर में बनाया है,
इसमें जो जितने मछलियां देखने बहुत छोटे छोटे थे सारे बड़े हो चुके हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं हम अपना जुगाड़ से फिल्टर बनाए हैं क्योंकि पानी बहुत गंदा करते हैं लोग, तो फिल्टर काम करता नहीं था। और फ्रेंड्स हमने ये कांच के बाउल में भी कुछ मछलियां रखे हैं और इसमें हम मनी प्लांट लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।